तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए मध्य प्रदेश के नए सीएम का ऐलान हो गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वे साल 2013 में पहली बार विधायक बने थे। शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में वे उच्च शिक्षा मंत्री थे। मोहन यादव संघ के करीबी माने जाते हैं और वह उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में दो डिप्टी सीएम का भी ऐलान हो गया है। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवला मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे। 58 साल के मोहन यादव की पहचान पढ़े लिखे नेता के तौर पर होती है। वे बीएससी, एलएलबी, राजनीतिक विज्ञान से एमए, एमबीए की डिग्री हासिल कर चुके हैं। वे पीएचडी भी हैं। इसी वजह से उज्जैन शहर में उनकी पहचान डॉक्टर यादव नाम से है। मोहन यादव की राजनीतिक यात्रा छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी। वे साल 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय में छात्र संघ के सह सचिव और फिर 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद साल 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख बने। साल 1988 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बनाए गए। साल 1991-92 में वे परिषद के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। साल 2013 में वे पहली बार विधायक निर्वाचित होकर सदन पहुंचे। साल 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर वह शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने। चुनावी हलफनामे के मुताबिक मोहन यादव के पास कुल 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि उनके ऊपर करीब 9 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। मोहन यादव की गिनती राज्य के अमीर नेताओं में होती है। साल 2018 में वे सबसे अधिक संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवारों में टॉप 3 में से एक थे। उनसे ऊपर सिर्फ भूपेंद्र सिंह ही थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जिसके मुताबिक उनके पास 1.41 लाख रुपए कैश है। वहीं उनकी पत्नी के पास 3.38 लाख रुपए कैश है। अलग अलग बैंकों में उनके और उनकी पत्नी के पास 28,68,044 रुपए जमा है। बता दें कि मुख्यमंत्री की रेस में कहीं से भी मोहन यादव का नाम नहीं था। विधायक दल की बैठक से पहले भी जो फोटो सेशन हो रहा था उसमें मोहन यादव सबसे पीछे नजर आ रहे थे। तमाम राजनीतिक पंडित शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और वीडी शर्मा के नामों पर कयास लगा रहे थे, लेकिन अंत में नाम आया मोहन यादव का। इसी के साथ मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और उसे 163 सीट मिली। वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।